मैं डॉक्टर वरुण भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा से हूँ। मैं आज आपको एल्जाइमर्स डिजीज़ के संबंध में कुछ बतलाऊँगा। एल्जाइमर डिजीज़ में मरीज की जो स्मृति होती है, मेमोरी होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और ये डिजीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आमतौर पे ये डिजीज़ वृद्ध व्यक्ति में होती है, 65 वर्ष से अधिक में ज़्यादा पाई जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों की एज एक्सपेक्टेंसी यानी हम लोग ज़्यादा जी रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो या दूसरे देश हो, तो इस डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ये ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी 2050 तक ये 5% लोगों में हो सकती है। इसमें जो स्मृति जाती है वो स्मृति सारी नहीं जाती और ये डिज़ीज़ हल्की हो सकती है, शुरुआती हो सकती है, बीच में हो सकती है या बहुत सीवियर हो सकती है, जिसमें आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। जब डिज़ीज़ हल्के से हमें पता चलती है कि है, तो हम आमतौर पर सोचते हैं कि शायद उम्र के साथ हो गई है। और दूसरे तरीके की भी स्मृति चली जाती है दूसरी बीमारियों में भी, तो हमें सबसे पहले इस बीमारी का पता करना कि वास्तव में अल्जाइमर है या नहीं है, इसके लिए हमें न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन से आप संपर्क कर सकते हैं। जो स्मृति जाती है उसमें आमतौर पर शुरू में जो अभी की स्मृति है वो चली जाती है, पुरानी स्थिति जो स्मृति होती है, ओल्ड मेमोरी, वो रह जाती है और कुछ एपोजिटिक मेमोरी यानी जो पीछे के हुए हैं वो भी रह जाती है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है। इसका और जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे वो कोई प्रॉब्लम आ गई उसे सॉल्व करना उनके लिए मुश्किल होता है, कई बार ड्राइविंग के अंदर वो गलत तरफ चले जाते हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग में उनको प्रॉब्लम आ जाती है, कोऑर्डिनेशन अंग के जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूज रहते हैं, उनका पर्सनैलिटी बदल जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार, या कभी एंग्जाइटी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, पैरानॉइड हो जाते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तो ये समस्याएं आती हैं। अगर ये डिजीज़ शुरुआती है तो हम इनमें काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जून 2021 में एक नई दवाई आई है जिसके अंदर एड्यू कैन्यूमैब नाम का सॉल्ट होता है, क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें ऐसा समझा जाता है कि एमेलॉइड प्रोटीन होते हैं वो दिमाग में जम जाते हैं और उसके बाद में वो टाउ प्रोटीन के साथ एंटेंगल होकर के दिमाग को धीरे धीरे ख़त्म करते चले जाते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो आई है काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है, परंतु इससे लगभग 60-70% केसेस में, जिन केसेस में शुरुआती दौर में हो ये बीमारी, तो इन अमेलॉइड प्रोटीन को हटाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति जैसे अपने चेक पे साइन करना है, किसी चीज़ को लिखना है, नाम लिखना है, इन सब चीज़ों में उसको आराम आ जाता है, हालांकि डिजीज़ की प्रोग्रेशन फिर भी चालू रहती है। इसके अलावा कई दवाइयाँ जो पहले से चल रही हैं वो इसमें थोड़ी बहुत कामयाब होती हैं और साइकेट्रिक जो इसके अंदर सिम्टम्स आते हैं उसमें दवाई देने से कई बार बीमारी बढ़ जाती है कम होने की जगह, तो इसलिए एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन या साइकेट्रिस्ट से आप यदि इलाज लें तो वो आपको बतला पाएगा कि कौन सी दवाई आपके लिए कामयाब होगी। कुछ नई दवाइयाँ भी आ रही हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कामयाब होती है वो केयर गिवर, यानी जो आपको किसी व्यक्ति की मॉडरेट या सीवियर में किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अपनी डेली एक्टिविटी खुद नहीं कर पाते हैं और ये जो केयर गिवर है इसको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अल्जाइमर में क्या क्या हो सकता है। धीरे धीरे व्यक्ति ना खुद स्नान कर पाता है, ना खुद अपनी डेली एक्टिविटी कर पाता है और जब बहुत सीवियर डिजीज़ हो जाती है तो ये मरीज लेट जाता है, दुनिया से अलग हो जाता है और कोई कार्य करने में सक्षम हो जाता है। तो ऐसे मरीजों की इस बीमारी से मृत्यु ना होकर के निमोनिया या अल्सर्स होकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि हमारे को उन बीमारियों से जिनका हमारे पास आज इलाज है उनसे इनको पहले डिफरेंशिएट करना होता है, अलग करना होता है, क्योंकि
कई सारी बीमारियां हम जैसे विटामिन B12 की डिफिशेंसी, इन्फेक्शन, बार बार अगर शुगर कम होती है, अगर वेस्कुलर डिमेंशिया है यानी ब्लड सप्लाई के कम होने से डिमेंशिया है तो उसकी दवाई अलग होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम अगर एड ऑन करते हैं डाइट के अंदर तो उसमें इसमें फ़ायदा होता है। डेली एक्टिविटीज़ को हम बढ़ा देते हैं तो अल्जाइमर्स और दूसरी उसमें भी फ़ायदा होता है। तो पहले डिमेंशिया का हमें प्रकार ढूंढ लें, अगर अल्जाइमर्स हैं तो उसका इलाज करें जो दवाइयों से और केयर गिविंग के साथ होता है। इसके लिए जो टेस्ट होते हैं कई बार हमें बहुत हायर टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे को एमेलॉइड पेट स्कैन से इसे कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन लंबर पंक्चर से भी अगर एमेलॉइड प्रोटीन निकल आते हैं तो इस बीमारी को हम डायग्नोस कर पाते हैं। तो इसके लिए सही डायग्नोसिस, सही इलाज और समय पे इलाज बहुत ज़रूरी है। हमारे कैलाश हॉस्पिटल की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब में न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन कार्यरत हैं, साइकेट्रिस्ट भी कार्यरत हैं, और इसके अलावा हम लोग केयर गिवर, यहाँ तक कि हम घर के लिए भी केयर गिवर देते हैं, तो क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत होती है। तो ये सब सुविधाएं हमारे अस्पताल के भीतर मौजूद हैं, आप इनका लाभ उठा सकते हैं।